हेलो एवरीवन, जसप्रीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी क्लास है वो है कंप्यूटर वायरसेस से रिलेटेड। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं, इसकी टाइप्स क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, और जो कंप्यूटर वॉर्म्स है, ट्रोजन हॉर्स है, ठीक है, और स्पाईवेयर है, इन सबको भी आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। और अगर आप इससे रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम की जो सीरीज जो मैंने स्टार्ट की है, इससे रिलेटेड वीडियोज को चेक करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, सो लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले कंप्यूटर वायरस होता क्या है? कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो क्या करता है, हमारे डिवाइस में जो फाइल्स हैं उनको हार्म कर देता है, उनको डैमेज कर देता है, ठीक है, इन्फेक्ट देम फॉर नो फ्यूचर यूज, ताकि हम उसको फर्दर ताकि हम उसको यूज ना कर सके, ठीक है, उनके लिए उनको ये इन्फेक्ट कर देता है। और जो ये वायरस प्रोग्राम जब भी एग्जीक्यूट होता है तो ये क्या करता है, ये उसको इट रेप्लीकेट्स इट अपने आप को, वो काफी सारी कॉपीज क्रिएट कर देता है बाय मॉडिफाइंग अदर कंप्यूटर प्रोग्राम। जो दूसरे कंप्यूटर के प्रोग्राम है उनको मॉडिफाई मॉडिफाई मतलब उनमें चेंजेस कर देता है, ठीक है, और क्या करता है, अपना जो कोड है वो उसमें एंटर कर देता है, ठीक है, जो अपनी इसकी कोडिंग कोई इसने क्रिएट की हुई है वो उसमें एड कर देता है, जो हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम है उसकी जगह पर, ठीक है। दिस कोड इनफेक्ट्स, जो वो कोड मतलब इंसर्ट करता है उसमें, तो वो क्या करती है, वो जो फाइल और प्रोग्राम है उनको खराब कर देती है। एंड इफ इट स्प्रेड्स मैसिवली इट मे अल्टीमेटली रिजल्ट, अगर वो मतलब बहुत ही काफी मात्रा में वो स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमारा डिवाइस जो है वो क्रैश भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर वायरस होता है। अक्रॉस द वर्ल्ड कंप्यूटर वायरस आर अ ग्रेट इशू ऑफ कंसर्न, एज दे कैन कॉज बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ हार्म टू इकोनॉमी ईच ईयर। हर साल जो है, जो हमारी इकोनॉमी है उसमें कितने ही बिलियंस डॉलर जो है उनका मतलब कि नुकसान हो रहा है इसके कारण, जो कंप्यूटर वायरसेस है, ठीक है। सिंस द कंप्यूटर वायरस ओनली हिट्स द प्रोग्रामिंग ऑफ द डिवाइस, इट इज नॉट विजिबल। देखो, ये प्रोग्रामिंग जो कंप्यूटर की हमारी प्रोग्रामिंग है उसको हार्म कर देता है, हिट कर देता है, लेकिन फिर भी ये विजिबल नहीं होता, ठीक है, दिखाई नहीं देता। बट देयर आर सर्टेन इंडिकेशन, बट बहुत सारी इंडिकेशन मिलती है हमको, सिम्टम्स पता चल जाते हैं कि वायरस आ गया है, विच कैन हेल्प यू एनालाइज दैट अ डिवाइस इज वायरस है। तो हम किस तरीके से पता कर सकते हैं कि उसमें वायरस आ गया, तो बहुत सारे इंडिकेशंस हैं जो आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से इंडिकेशंस हैं, सिम्टम्स क्या है, कैसे हमें पता चले कि वायरस एंटर हो गया है कंप्यूटर में। तो हमारे पास जो साइंस है, ठीक है, मतलब जिससे हम कंप्यूटर वायरस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो सबसे पहला है स्पीड ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अगर हमारा जो कंप्यूटर है उसकी स्पीड बहुत मतलब स्लो हो जाए, तो आप समझ जाना कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है। इन केस अ वायरस इज कंप्लीटली एग्जीक्यूटेड इन योर डिवाइस, द टाइम टेकन टू ओपन एप्लीकेशन मे बिकम लॉन्गर एंड एंटायर सिस्टम प्रोसेसिंग मे स्टार्ट वर्किंग स्लोली। मतलब जब वायरस हमारे कंप्यूटर में आ जाता है, तो जब भी हम कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वो काफी समय ले रही है, ठीक है, और हमारा जो एंटायर सिस्टम प्रोसेसिंग है वो भी स्लो हो गया है, तो इसका मतलब कंप्यूटर में वायरस आ गया है। और सेकंड है पॉपअप विंडो। पॉपअप विंडो जैसे कोई एक तरीके की ऐसे विंडो आगे आ जाए बार बार, ठीक है, वन वे स्टार्ट गेटिंग टू मैनी पॉपअप विंडो ऑन देयर स्क्रीन, मतलब एक स्क्रीन आ गई, फिर सेम 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 बहुत सारी पॉपअप एक तरीके की विंडोज आ जाए हमारे सामने, वो भी मतलब कि वायरस हमारे कंप्यूटर में आ गया है। थर्ड है सेल्फ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, मतलब जो भी हम प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं उनकी एग्जीक्यूशन अपने आप हो रही है बार बार, ठीक है, तब भी मतलब हमारे उसमें वायरस आ गया है। फाइल्स और एप्लीकेशन मे स्टार्ट ओपनिंग इन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में अपने आप कोई भी फाइल और एप्लीकेशन ओपन हो रही है, ठीक है, बाय देमसेल्फ्स एंड यू मे नॉट इवन नो अबाउट देम, और आपको पता भी नहीं चल रहा, तो इसके कारण भी हमें पता चल जाएगा कि कंप्यूटर में वायरस आ गया। और लॉग आउट फ्रॉम अकाउंट्स, जैसे हम कोई अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो वो अपने आप लॉग आउट हो जाए, ठीक है, तो भी वायरस आ गया। इन केस ऑफ वायरस अटैक द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकाउंट्स गेटिंग हैक्ड इंक्रीज,
जो भी अकाउंट है वो हैक्ड हो सकते हैं, ठीक है, एंड पासवर्ड प्रोटेक्टेड साइट्स में भी गेट हैक्ड, जहां पर हमने पासवर्ड प्रोटेक्ट किए हुए हैं वो भी हैक्ड हो सकते हैं, और यू माइट गेट लॉग्ड आउट फ्रॉम ऑल ऑफ देम। जो भी आपने आपकी अकाउंट्स है उन सभी में से आप लॉग्ड आउट हो सकते हो अपने आप, अगर हो रहे हो तो मतलब कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है। क्रैशिंग ऑफ द डिवाइस, क्रैशिंग मतलब अगर हमारा डिवाइस सर्वर हमारा डाउन हो जाए, ठीक है। इन मोस्ट केसेस इफ द वायरस स्प्रेड्स इन मैक्सिमम फाइल्स, अगर हमारी बहुत सारी फाइल्स में और प्रोग्राम्स में वायरस स्प्रेड हो गया है, फैल गया है, देयर आर चांसेस दैट एंटायर डिवाइस, मतलब इसका चांस हो सकता है कि हमारा डिवाइस क्रैश हो जाए और बिल्कुल ही वर्किंग करना बंद कर दे। तो ये हमारे पास सिम्टम्स होते हैं, वायरस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया है। और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर वायरस देख लेते हैं। हमारे पास वायरसेस हैव बीन अटैकिंग वेरियस डिवाइसेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत सारे डिवाइसेस पर वायरसेस अटैक करते आ रहे हैं, स्प्रेडिंग थ्रू द इंटरनेट, किसके द्वारा, या तो ये इंटरनेट के थ्रू आते हैं, ठीक है, और भी काफी सारे मीन्स हो सकते हैं जिनके द्वारा ये कंप्यूटर में एंटर करते हैं। दे आर ऑफन क्रिएटेड टू स्टील इंफॉर्मेशन, ये ज्यादातर क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि इंफॉर्मेशन को चोरी किया जा सके और कंप्लीटली, और किसी के डिवाइस को अगर खराब करना है कंप्लीटली तो उनके लिए इनको क्रिएट किया जा रहा है। द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, जो सबसे पहला कंप्यूटर वायरस आया था उसको बोलते थे क्रिपर सिस्टम, ठीक है। तो क्रिपर सिस्टम था जो 1971 में आया था एज एन एक्सपेरिमेंटल वायरस, ये एक एक्सपेरिमेंटल वायरस था जो अपने आप की कॉपीज क्रिएट करता था, ठीक है, सबसे पहला कंप्यूटर वायरस था ये। फॉलोइंग दैट इन द मिड 1970s, और 1970s के मिड में एक रैपिड वायरस आया था जो क्या करता था, रेप्लीकेटेड वेरी क्विकली, बहुत ही ज्यादा जल्दी अपनी बहुत सारी कॉपीज क्रिएट कर लेता था एंड कॉज्ड सिग्निफिकेंटली डैमेज एट द सेम पेस, और बहुत ही जल्दी मतलब कि ये डैमेज कर देता था जो भी हमारा कंप्यूटर है। और द वायरस नोन एज, एक वायरस है एल क्लोनर, ठीक है, ये क्रिएट हुआ था 1982 में रिच स्क्रेंटा के द्वारा, इट स्प्रेड थ्रू अ फ्लॉपी डिस्क, ये एक फ्लॉपी डिस्क के द्वारा फैलाया गया था कंटेनिंग अ गेम, जिसमें गेम थी, एंड अटैच्ड इटसेल्फ टू एप्पल, और इसमें जो है इसने अपने आप को अटैच कर दिया था जो एप्पल टू हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ, और ये फ्लॉपी डिस्क के द्वारा स्प्रेड किया गया था, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है द फर्स्ट वायरस फॉर MS-DOS, जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, MS-DOS है, उसमें जो सबसे पहला वायरस था वो था ब्रेन, जो कि 1986 में आया था। इट वाज डिजाइन बाय, ये दो पाकिस्तानी ब्रदर के द्वारा डिजाइन किया गया था, एंड ओवररूड द बूट सेक्टर ऑफ फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क में जो बूट सेक्टर होता है उसको इसने ओवरराइड कर दिया था, मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर द कंप्यूटर टू स्टार्ट, ताकि जो कंप्यूटर है वो स्टार्ट ही ना हो पाए, ठीक है, इम्पॉसिबल कर दिया था उसको स्टार्ट करने के लिए। इट वॉज ओरिजिनली मीन टू बी कॉपी प्रोटेक्शन सिस्टम, ठीक है, इसका ओरिजिनली जो मतलब था वो था जो हमारा प्रोटेक्शन से कॉपी प्रोटेक्शन सिस्टम था। और 1988 में मोर डिस्ट्रक्टिव वायरसेस बिगेन टू सर्फेस, बहुत सारे वायरसेस आए, ठीक है, अंटिल देन मोस्ट वायरसेस वर कंसीडर्ड प्रैंक्स विद फनी नेम्स, उनके फनी नेम्स थे और फनी मैसेजेस थे, लेकिन इन 1988 में द मॉरिस आया जो बिकम द फर्स्ट वाइडली स्प्रेडिंग वायरस, जो बहुत ही ज्यादा ज्यादा मतलब स्प्रेड हुआ था, ठीक है, द मॉरिस 1988 में ये वायरस आया था। और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस कौन कौन सी है, सबसे पहले बूट सेक्टर वायरस है, ये क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ वायरस जो बूट सेक्टर हमारी फ्लॉपी डिस्क होती है, जैसे ये फ्लॉपी डिस्क है उसके बूट सेक्टर में जाकर इन्फेक्ट करता है, उसको डैमेज करता है, या फिर जो मास्टर बूट रिकॉर्ड होती है हमारी हार्ड डिस्क में उसको ये इन्फेक्ट करता है। द बूट सेक्टर कॉम्प्राइजेस ऑल द फाइल विच आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द ओपनिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर। बूट सेक्टर की क्या होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा कंप्यूटर है यहाँ पर हमने फाइल्स ओपन करनी होती है, वहां पर हमारे लिए ये यूज होता है। द वायरस ईदर
या तो ये क्या करता था, ओवरराइड कर देता था, जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसके ऊपर ही ये कुछ ना कुछ लिख देता था और कॉपीज इटसेल्फ, या फिर क्या करता था, मतलब कि जो फ्लॉपी डिस्क, जो हमारी ये डिस्क है उसके और पार्ट्स में जाकर वो अपनी कॉपीज क्रिएट कर देता था। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल्स हमारे पास है नॉट पीटिया और मैम्स, जैसे ये अनइन्फेक्टेड डिस्क है, ठीक है, ये हमारा बूट सेक्टर है यहाँ पर, और यहाँ पर इसमें वायरस आ गया है, तो ये देखो ये हमारा कहाँ पर, ये ओरिजिनल बूट सेक्टर है, और यहाँ से लेकर यहाँ पर जो ये रेड है, ठीक है, ये जंप हुआ है यहाँ तक, तो ये इन्फेक्टेड एरिया हो गया। ठीक है, तो ये था हमारे पास बूट सेक्टर वायरस। सेकंड आता है डायरेक्ट एक्शन वायरस। डायरेक्ट एक्शन वायरस क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, अपने आप को जो एग्जीक्यूशन फाइल्स होती हैं हमारी उनके साथ अटैच कर लेते हैं, ठीक है, और हमारा डिवाइस है उसमें एंटर कर जाते हैं फाइल, जब भी एग्जीक्यूशन होती है तभी हम इनको डायरेक्ट एक्शन वायरस बोल देते हैं। इफ इट गेट्स इंस्टॉल्ड, अगर ये मेमोरी में इंस्टॉल्ड हो जाए तो इट कीप्स इट सेल्फ हिडन, अपने आप को वो छुपा लेते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन रेजिडेंस वायरस, इनको नॉन रेजिडेंट वायरस भी बोल सकते हैं। ठीक है, द मेन पर्पस ऑफ वायरस इज टू वही रेप्लीकेट करना, ठीक है, एंड टेक एक्शन, जब भी एग्जीक्यूशन हो तब ये वहां पर अपने आप को एंटर कर देते हैं। तो इस तरीके से ये देखो एक ही जो पॉपअप मेन्यू काफी बार वो शो हो गई है, मतलब ये डायरेक्ट एक्शन वायरस हमारे पास एंटर हो गया है कंप्यूटर में। नेक्स्ट हमारे पास रेजिडेंट वायरस। रेजिडेंट वायरस क्या होता है, ये क्या करता है, अपने आप को जो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी होती है वहां पर सेव कर लेता है। ठीक है, फिर क्या करता है, जो भी हमारी फाइल्स और प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, हम सभी को ये खराब करना शुरू कर देता है। व्हेन इट ओरिजिनेट्स प्रोग्राम इज नो लॉन्गर वर्किंग, जो प्रोग्राम काफी लंबे समय से नहीं वर्क कर रहा तो उनको ये खराब करना शुरू कर देता है। दिस वायरस कैन इजिली इन्फेक्ट अदर फाइल्स, और भी बहुत सारी फाइल्स को ये इजिली इन्फेक्ट कर देता है क्योंकि ये हिडन होता है मेमोरी में एंड इज हार्ड टू, और इसको रिमूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, सिस्टम में से। और इसकी एग्जांपल्स जैसे ये हमारे पास है सीएमजे वायरस, वायरट, कॉन्फिगर, रेंडेक्स, मी ब्रूट, ठीक है, जैसे ये देखो फाइल टू बी, जब भी फाइल एग्जीक्यूट होगी ये रैम में मतलब कि रेजिडेंट अपने आप को एंटर कर देता है, और जो भी हमारे पास फाइल आएगी वो इन्फेक्टेड फाइल आएगी हर बार, ठीक है, तो ये रेजिडेंट वायरस हो जाता है। नेक्स्ट है ओवरराइट वायरस। ओवरराइट वायरस क्या होता है, ये वन ऑफ द मोस्ट हार्मफुल वायरसेस होते हैं, ये क्या करते हैं, ओवरराइट कर देते हैं कंप्लीटली, रिमूव जो भी पहले कोई प्रोग्राम है उसको कंप्लीटली रिमूव करके उनकी जगह पर अपना कोड जो है वो वहां पर लिख देते हैं। ठीक है, ग्रेजुअली इट कैन कंप्लीटली रिप्लेस द होस्ट प्रोग्रामिंग कोड विद द हार्मफुल कोड, जो भी हमारी होस्ट की प्रोग्रामिंग होती है उसको ये हार्मफुल कोड के साथ रिप्लेस कर देते हैं, तो तभी हम इनको ओवरराइड बोलते हैं। इसकी एग्जांपल है टीआरजे रीबूट। ठीक है, जैसे ये देखो ये पहले हमारा इन्फेक्शन से पहले का है, जो हमारा ओरिजिनल प्रोग्राम फाइल ये पूरी है, जब उसमें वायरस आ गया, ठीक है, यहाँ पर देखो हमारा जो प्रोग्राम था वो आ गया और इतना जो एरिया था ये वायरस ने अपना कोड लिख दिया। ठीक है, तो मतलब किया क्या है, हमारा ओरिजिनल प्रोग्राम वो इन्फेक्ट हो गया, उसमें वायरस कोड एंटर हो गया है, तो इसको ओवरराइट वायरस बोलते हैं। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या होता है, ये क्या होता है, स्पैम और जो हमारी इन्फेक्टेड वेबसाइट्स होती हैं उनके द्वारा स्प्रेड होता है, और पॉलीमॉर्फिक वायरसेस आर द फाइल इन्फेक्टर विच आर कॉम्प्लेक्स एंड आर टफ टू डिटेक्ट, जो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो फाइल्स हैं उनको इन्फेक्ट करते हैं और इनको डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। दे क्रिएट अ मॉडिफाइड और मॉर्फेड वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोग्राम, जो हमारे पास प्रोग्राम्स हैं उनका कोई मॉडिफाई, उनको चेंज करके कोई और वर्जन क्रिएट कर देते हैं एंड इन्फेक्ट द सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं एंड रिटेन द ओरिजिनल कोड, और जो ओरिजिनल कोड होता है उसको भी साथ में रखते हैं और अपना भी उसमें ऐड कर देते हैं, जैसे स्टॉर्म वॉर्म, ठीक है, ये है हमारे पास विरलॉक, वी वॉन, ठीक है, ये हमारे पास अलग अलग इसकी एग्जांपल्स हैं। जैसे यहाँ पर आप चेक कर सकते हो ये हमारा इंक्रिप्टेड वायरस बॉडी है, ठीक है, और ये डिक्रिप्शन रूटीन है हमारा, तो यहाँ पर म्यूटेशन इंजन है, प्रोड्यूसेस रैंडमाइज्ड डिक्रिप्शन रूटीन हो गया, और इसने क्या किया, डिक्रिप्टेड
डीक्रिप्टेड वायरस बॉडी, जो हमारी वायरस उसको डीक्रिप्ट करके फिर इनक्रिप्ट कर दिया, और यहाँ पर न्यू डिक्रिप्शन रूटीन आ गई। जो पहले हमारा डेटा था उसको चेंज करके इसने न्यू डिक्रिप्शन रूटीन में चेंज कर दिया है। और नेक्स्ट है फाइल इन्फेक्टर वायरस, जो ये देखो नेम से ही पता चल रहा है, जो फाइल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम फाइल इन्फेक्टर वायरसेस बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इट्स अदर एग्जीक्यूटिव, जो भी फाइल्स हैं और प्रोग्राम है उनमें मतलब कि फैलते जाते हैं, ठीक है। द मेन सोर्स ऑफ दिस वायरसेस आर, जो मेन सोर्स होता है इन वायरसेस का, वो गेम्स होती हैं और वर्ड प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर फाइल इन्फेक्टर वायरस है, ठीक है, उसमें एग्जीक्यूटेड जो अनइन्फेक्टेड फाइल एग्जीक्यूट है उसमें ये एंटर हो गया, उसमें हेडर विद सीएस, सीएस होता है कोड सेगमेंट है, और आईपी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, यहाँ पर ओरिजिनल प्रोग्राम कोड है, ठीक है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। ये क्या करेगा, जैसे हमारे पास उसके बाद इन्फेक्ट हुई हुई फाइल आई है तो उसमें क्या कर देगा, सीधा जंप टू वायरस, और यहाँ पर जैसे होगा अपेंडेड वायरस कोड, तो ये फिर उसके बाद जो है रिटर्न पॉइंटर जाएगा ओरिजिनल में, मतलब पहले जो है उसमें अपना जो डेटा है उसको एड कर देता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास स्पेस फिलर वायरस। स्पेस फिलर से ही पता चल रहा है कि जहां पर खाली स्पेसेस होती हैं वहां पर ये अपने आप को फिट कर देते हैं, ठीक है। ये रेयर टाइप होती है और ये एम्प्टी स्पेसेस में फिल हो जाते हैं जो फाइल्स होती हैं उनमें, ठीक है। इनको कैविटी वायरसेस भी बोल देते हैं। इट विल नीदर अफेक्ट द साइज ऑफ द फाइल, ये जो हमारी मतलब की सिर्फ साइज को ही इफेक्ट नहीं करते, ये कैन बी डिटेक्टेड इजिली, ठीक है। ना ही इनका हम साइज पता कर सकते हैं, ना ही इनकी जो इनको डिटेक्ट कर सकते हैं इजीली। एग्जाम्पल इसकी लिहाई है। और नेक्स्ट है मैक्रो वायरसेस। ये जो वायरस होते हैं ये क्या होते हैं, जो कुछ लैंग्वेज होती है हमारी मैक्रो लैंग्वेज उसमें लिखे होते हैं, ठीक है, और ये जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है उसमें यूज होते हैं, एंड इन्फेक्ट द कंप्यूटर, कंप्यूटर को इन्फेक्ट करते हैं। इफ अ वर्ड प्रोसेसर फाइल, जब भी हम वर्ड प्रोसेसर फाइल को ओपन करते हैं तब ये कंप्यूटर को इन्फेक्ट करते हैं। जैसे हमारे पास वर्ड में हमारे पास आ गया पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, जब हम इनको ओपन करेंगे तब ये मैक्रो वायरस जो है वो एड हो जाता है। मेनली द सोर्स ऑफ सच वायरसेस इज वेयर ईमेल्स, ये मोस्टली ईमेल्स के द्वारा एंटर होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स इनके कंसेप्ट वायरस और मेलेसा वायरस। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल्स आ जाती है कंप्यूटर वायरसेस की, तो सबसे पहला है मॉरिस वॉर्म। मॉरिस वॉर्म क्या था, वन ऑफ द फर्स्ट एंड मोस्ट वाइड स्प्रेड कंप्यूटर वायरसेस था, ये हमने पहले भी किया था, ठीक है, हिस्ट्री में। द मॉरिस वॉर्म वाज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम था, ये अपने आप को ही रिपीट करता था, ठीक है, अपनी काफी कॉपीज क्रिएट कर देता था, दैट स्प्रेड अक्रॉस द अर्ली इंटरनेट, ये इंटरनेट पर इसने स्प्रेड किया था 1988 में, कॉजिंग डिले, जिसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे क्रैशेस हो गए डिवाइस, बहुत सारे डिवाइसेस खराब हो गए और डिले भी हो गए, ठीक है। सेकंड है नेमडा, ये हुआ था 2001 में आया था, निम्डा टारगेटिंग वेब सर्वर्स एंड कंप्यूटर रनिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में रन हो रहे हैं, ठीक है, सर्वर और कंप्यूटर, ये उनको टारगेट करता था। ये क्या करता था, ये स्प्रेड होता था बहुत सारे मेथड्स के द्वारा, इन्फेक्टिंग क्विकली, जल्दी इन्फेक्ट कर देता था और वाइडली इन्फेक्ट करता था। और हमारे पास एक आई लव यू, ये भी कंप्यूटर वायरस है, ये 2000 में आया था, ये आई लव यू वॉर्म है जो स्प्रेड होता है थ्रू ईमेल्स के द्वारा, डिस्कस्ड एज लव कन्फेशंस डिस्कस करता है, इट ओवर, ये भी ओवरराइड कर देता है डेटा को और बहुत सारा डैमेज कर देता है। सीक्वल स्लैमर है नेक्स्ट, ये क्या है, दिस फास्ट स्प्रेडिंग कंप्यूटर वॉर्म एमर्ज हुआ था 2003 में आया था, एक्सप्लॉइटिंग ये जो माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर है उसको खराब किया इसने, इट कॉज्ड सिग्निफिकेंट नेटवर्क कंजेशन, जो नेटवर्क का कंजेशन होता है, ठीक है, जो पैकेट्स वगैरह उनको ये कॉज करता है, एंड डिस्ट्रप्टेड जो इंटरनेट सर्विसेज है उनको भी ये खराब करता है। नेक्स्ट है स्टू एक्स नेट, ये डेवलप हुआ था 2010 में, ये क्या है, सोफिस्टिकेटेड वॉर्म है जिसकी एम क्या थी, डैमेज करना जो इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स हैं उनको, ठीक है, पर्टिकुलरली ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो है उनको डैमेज करने के लिए ये क्रिएट हुआ था। इट एक्सप्लॉइटेड जीरो डे वल्नरेबिलिटी, ठीक है, इसने जीरो डे वल्नरेबिलिटी में एक जीरो दिन में ही सबको एक्सप्लॉइट कर दिया था। नेक्स्ट है क्रिप्टो लोकर,
क्रिप्टो लॉकर क्या है? ये रैनसॉमवेयर ट्रोजन है, फ्रॉम 2013 से आया था ये, इन्फेक्टेड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर। इसने बहुत सारे कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट किया था। इनक्रिप्टेड विक्टम्स फाइल, जो विक्टम्स फाइल थी उनको ये इनक्रिप्ट कर देता था, ठीक है, उनको अपने अंदर कवर कर लेता था, एंड डिमांडेड अ रैनसम टू अनलॉक देम, और सभी से डिमांड करता था उनको अनलॉक करने के लिए। नेक्स्ट है कॉन्फिगर, ये फर्स्ट डिटेक्ट हुआ था 2008 में। कॉन्फिगर एक्सप्लॉइटेड वीकनेस, ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उनकी वीकनेसेस को खराब किया इसने, उसमें वीकनेस आ गई थी। क्रिएटिंग ए लार्ज बूटनेट, इसने बहुत बड़ा बूटनेट क्रिएट किया था, एंड कॉजिंग वाइड स्प्रेड, ठीक है, बहुत बड़े एरिया को इसने इन्फेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट था टिम्बा, ये डिस्कवर्ड हुआ था 2012 में। ये क्या है, एक बैंकिंग ट्रोजन था दैट प्राइमरली टारगेटिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू स्टील लॉग इन क्रेडेंशियल एंड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन। तो इसने क्या किया था, ये हमारे पास इसने जो है लॉग इन इंफॉर्मेशन जो होती है, ठीक है, और बैंकिंग इंफॉर्मेशन है उसको स्टील कर लिया था, ठीक है। तो इसका नाम टिंगा था, टिम्बा, सॉरी। नेक्स्ट है शेलियर, शाइलियर। सिंस 2018 शाइलियर हैज बिकम बीन अ मैकोस स्पेसिफिक ट्रोजन था ये। ये स्प्रेडिंग एडवेयर एंड अनवांटेड प्रोग्राम्स, जो एडवेयर थे और जो अनवांटेड प्रोग्राम्स थे उनको इसने स्प्रेड कर दिया था, फेक सॉफ्टवेयर अपडेट्स के द्वारा और डाउनलोड्स के द्वारा। नेक्स्ट है कि हम जो कंप्यूटर वायरसेस हैं उनको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा कंप्यूटर है उसको वायरसेस से किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहला है तो इंस्टॉल कर लो जी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है। थिंक ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एज योर कंप्यूटर डॉक्टर है ये, ठीक है। इट वर्क्स अराउंड द क्लॉक टू डिटेक्ट एंड ब्लॉक वायरसेस बिफोर दे इन्फेक्ट योर सिस्टम। जब ये सिस्टम को इन्फेक्ट करे उससे पहले ये उनको ब्लॉक कर देता है। मेक श्योर टू कीप इट अपडेटेड, और जो एंटीवायरस आप इंस्टॉल करोगे उसका ध्यान भी रखो कि उसको अपडेट करते रहो, क्योंकि उसकी टाइमिंग होती है, ठीक है, एक्सपायरी डेट होती है, तो वो भी आप चेक करते रहो। सेकेंड है अपडेट रेगुलरली, ठीक है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, उनको अपडेट करते रहो। ऑफन इंक्लूड फिक्सेस द सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी दैट वायरसेस कुड एक्सप्लॉइट, जो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी वायरसेस ने खराब की है उसको भी आप फिक्स करने की कोशिश करो। थर्ड है हमारे पास बी कॉशंस विद ईमेल्स एंड डाउनलोड्स, जो भी आप ईमेल्स डाउनलोड्स करते हो उसकी तरफ केयरफुल रहो। डोंट ओपन ईमेल्स और डाउनलोड अटैचमेंट, जो अननोन सोर्सेस से ईमेल्स आती हैं या डाउनलोड अटैचमेंट्स आती हैं उनको आप ओपन ना करो। इफ एन ईमेल लुक्स सस्पिशियस इवन इफ यू नो द सेंडर, इट्स बेस्ट टू डिलीट इट। अगर आपको लगता है कि जो ईमेल आई है वो काफी अजीब है, ठीक है, और आप उसके सेंडर को भी जानते हो, फिर भी आप उसको डिलीट करने की कोशिश करो, ठीक है। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जो भी आप पासवर्ड यूज करते हो वो यूनिक, मतलब कि स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और यूनिक होने चाहिए, ठीक है। ऐसे ही कोई 1 से लेकर 10 तक नंबर ना रखो, ABC ना रखो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करो। जैसे उसमें कुछ सिंबल्स भी आ जाएं, कुछ नंबर्स भी आ जाएं, ठीक है, कुछ लेटर्स भी आ जाएं, इस तरीके से आप अपना पासवर्ड क्रिएट करो। नेक्स्ट है बैकअप योर डेटा, तो आप रेगुलरली जो भी अपना मतलब डेटा होता है, ठीक है, पिक्चर्स होगी, वीडियोस होगी, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनका बैकअप लेते रहो। मतलब उनको अलग से किसी एक्सटर्नल ड्राइव में ऐड कर दो, या फिर कोई क्लाउड स्टोरेज है वहां पर उनको ऐड कर दो। इफ अ वायरस डज स्लिप थ्रू यू वॉन्ट लॉस एवरीथिंग, अगर वायरस आ भी जाएगा तो आप जो आप अपना डेटा लॉस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोटेक्ट किस तरीके से करें। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज एन एंटीवायरस। तो एंटीवायरस क्या होता है, एंटीवायरस भी एक सॉफ्टवेयर होता है विच कॉम्प्राइजेस प्रोग्राम, जिसमें प्रोग्राम्स होते हैं, और बोलो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, विच कैन जो डिटेक्ट कर सकते हैं और जो रिमूव कर सकते हैं जो भी हमारे डिवाइस में हार्मफुल और मेलेशियस सॉफ्टवेयर एंटर हो गए हैं, ठीक है। मेलेशियस वही कि अगर कोई वायरस वगैरह एंटर हो गया है उनको ये
डिटेक्ट करके रिमूव कर देता है, ठीक है। पहले उन्हें फाइंड आउट कर लेता है, फिर उनको रिमूव कर देता है। दिस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज डिजाइंड इन अ मैनर दैट दे कैन सर्च थ्रू द फाइल्स इन अ कंप्यूटर। इनको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये जो भी हमारी फाइल्स हैं सभी को इस मैनर से चेक करे, ठीक है, सर्च करे और डिटरमाइन द फाइल्स विच आर हैवी और मिडली इन्फेक्टेड बाय, और ये डिटरमाइन कर ले, पता कर ले कि कौन सी फाइल्स जो है वो वायरस के द्वारा इन्फेक्टेड हो गई हैं। और यहाँ पर हमारे पास काफी सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं जो कॉमनली यूज्ड होते हैं, नॉर्टन एंटीवायरस, एफ सिक्योर, कैस्पर स्काई, अवास्ट एंटीवायरस, कॉमोडो, मैकेफी, एंड दीज आर फ्यू ऑफ मैनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वाइडली यूज। इनको वाइडली यूज किया जाता है अपने डिवाइस को वायरसेस से रिमूव सेफ रखने के लिए। तो आप एक ये भी बताना कि आपके डिवाइस में कौन सा एंटीवायरस यूज हो रहा है। मेरे वाले में तो कैस्पर स्काई एंटीवायरस है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वॉर्म। तो वॉर्म क्या होता है? वॉर्म की वैसे फुल फॉर्म होती है राइट वंस रीड मैनी, वैसे तो डिसएम्बिगुएशन ही होती है। ये भी क्या होता है, प्रोग्राम्स को खराब ही करता है, ठीक है, हमारे कंप्यूटर को। तो ये क्या होता है, कंप्यूटर वॉर्म एक स्टैंड ऑन मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अपने रेप्लिकेट्स इटसेल्फ इन ऑर्डर टू स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर। ये अपने आप को इस तरीके से रेप्लिकेट करता है कि दूसरे जो कंप्यूटर्स है उनको भी खराब कर दे, सिर्फ उसी कंप्यूटर को नहीं बाकी कंप्यूटर्स को भी खराब कर दे। इट ऑफन यूजेस अ कंप्यूटर नेटवर्क, तो ये कंप्यूटर जो इंटरनेट है उसका यूज करता है स्प्रेड होने के लिए। रिलाइंग ऑन सिक्योरिटी फेलियर्स ऑन द टारगेट कंप्यूटर, जो हमारा टारगेट कंप्यूटर होता है, ठीक है, उस पर ये जो है टारगेट करता है उसको एक्सेस करके उसकी जो सिक्योरिटी होती है उसको डैमेज कर देता है। इट हैज कैपेबिलिटी टू ट्रेवल विदाउट एनी ह्यूमन एक्शन, ये बिना किसी ह्यूमन एक्शन के, मतलब कोई तीसरा बंदा इसे यूज नहीं करता, ये अपने आप इसकी कैपेबिलिटी होती है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रेवल करता रहता है। ये क्या होता है, वही हो गया, तो कैपेबिलिटी है, तो ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता किसी पर, ये अपने आप ही अपने काफी सारे जो है क्रिएट कर लेता है अपनी कॉपीज, बट रिप्रोड्यूस इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन अंटिल इट स्लो डाउन और शट डाउन अ कंप्यूटर सिस्टम। ये तब तक अपने जो है कॉपीज क्रिएट करता रहता है, ठीक है, और कंप्यूटर्स में जाता रहता है जब तक जो कंप्यूटर है वो स्लो डाउन ना हो जाए या फिर शट डाउन ना हो जाए कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। और जो ये हमारा फाउंडर था वॉर्म का वो रॉबर्ट मॉरिस था, और फर्स्ट कंप्यूटर वॉर्म जो था वो था मॉरिस वॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो ये हाई सिक्योरिटी लगा हुआ है, इसमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी लगा हुआ है और यहाँ पर अपडेटेड एंटीवायरस भी है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर देखो ये हमारा ये एड हो गया इसमें, ठीक है, और यहाँ पर भी, तो ये इसको नहीं खराब करेगा लेकिन जो यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है उनको ये हार्म कर सकता है। जैसे इसमें पहले ऑलरेडी था, अब ये दूसरे कंप्यूटर्स में जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से ये स्प्रेड होता रहता है इंटरनेट के द्वारा। नेक्स्ट आता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स समटाइम कॉल्ड हम ट्रोजन हॉर्स वायरसेस भी बोल सकते हैं, बट दोस टर्म्स आर टेक्निकली इनको इनकोरेक्ट बोलते हैं, क्योंकि जो ये ना तो वायरस की तरह होता है ना वॉर्म की तरह होता है, ये एक मालवेयर होता है जो अपने आप की कैन नॉट रेप्लीकेट इट सेल्फ और सेल्फ एग्जीक्यूट, तो ये अपने आप की कॉपीज नहीं क्रिएट करता ना ही ये मतलब कि अपने आप से एग्जीक्यूट होता है। तो इसके लिए स्पेसिफिक और डेलिबरेट एक्शन, मतलब इसके लिए थर्ड पार्टी की जरूरत होती है, जो यूजर्स होते हैं हैकर्स होते हैं वो मोस्टली ट्रोजन हॉर्स को यूज करते हैं, ठीक है। ट्रोजन आर मालवेयर एंड लाइक मोस्ट फॉर्म्स ऑफ मालवेयर ट्रोजन आर डिजाइन टू डैमेज, ये किसके लिए डिजाइन किए जाते हैं, फाइल्स को डैमेज करने के लिए, इंटरनेट ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करने के लिए, ठीक है, जैसे इंटरनेट पर कोई डेटा जा रहा है उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। मॉनिटर द यूजर्स एक्टिविटी, जो यूजर डेली एक्टिविटी कर रहा है उसको ये चेक करता रहता है।
और स्टील सेंसिटिव डेटा और सेटअप बैक डोर एक्सेस पॉइंट टू द सिस्टम। तो ये क्या करता है, और जो सेंसिटिव डेटा है उसको चोरी कर लेता है और सेटअप बैक डोर एक्सेस पॉइंट, तो जो सिस्टम है उसमें एंटर करने के लिए ये बैक डोर प्रोवाइड करता है। ठीक है, ट्रोजन्स में ये क्या कर सकता है, डिलीट कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है, ठीक है, मॉडिफाई कर देगा, लीक कर देगा, कॉपी कर देगा डेटा को, विच कैन देन बी सोल्ड बैक टू द यूजर और एंड और ऑन द डार्क वेब। ठीक है, और इट डज नॉट कॉपी देमसेल्फ, ये अपने आप की कॉपी नहीं कर सकते, बट दे कैन वर्क एज अ गेटवे। तो ये गेटवे की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये पाथ प्रोवाइड कर देते हैं उनको एंटर करने के लिए किसी को भी। एंटरिंग अ कंप्यूटर इट परफॉर्म वेरियस टास्क लाइक कंप्यूटिंग फाइल्स एंड सेंडिंग आउट पर्सनल इंफॉर्मेशन। जैसे ही ये कंप्यूटर में एंटर होते हैं तो ये बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने लग जाते हैं, जैसे फाइल्स को कंप्यूट करने लग गए और जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको सेंड करने लग जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है, ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर में एंटर, यूजर के कंप्यूटर में एंटर हो जाता है, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, ठीक है, एंड सेंड इट टू थर्ड पार्टी विदाउट देयर कंसेंट, उनसे बिना पूछे। ठीक है, किसी और को, ये किसी और पीसी को और हमारा कंप्यूटर है उसको डेटा सेंड कर देता है। ठीक है, स्पाईवेयर ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर ही होता है। ये क्या करता है, वही पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, दैट इट सेंड्स टू एडवर्टाइजर्स, जो एडवर्टाइजर्स होते हैं, ठीक है, जो एडवर्टीजमेंट डालते हैं उनको, डेटा कलेक्शन फॉर्म्स होती है उनको सेंड कर देता है, मैलिशियस एक्टर्स फॉर अ प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए एक्टर्स को सेंड कर देते हैं। ठीक है, अटैकर्स यूज इट टू, जो अटैकर्स है वो क्या करते हैं, इनको यूज कर लेते हैं ताकि वो क्या करें, ट्रैक कर ले, उनको स्टील करना है एंड सेल यूजर डेटा, अगर उनको सेल करना है, सच एज इंटरनेट यूजर्स, क्रेडिट कार्ड हो गया, ठीक है, बैंक अकाउंट डिटेल्स हो गया, इस तरीके की डिटेल्स वगैरह ये मतलब कि थर्ड पार्टी को सेंड कर देते हैं, और स्टील यूजर क्रेडेंटियल्स टू स्कूप देयर आइडेंटिटी, उनकी आइडेंटिटी को मतलब को यूज कर लेते हैं, ठीक है, मिस यूज करते हैं। इट इज यूजली इंस्टॉल्ड ऑन अ यूजर मशीन विदाउट देयर नॉलेज आफ्टर क्लिकिंग अ लिंक दैट रीडायरेक्ट द यूजर टू मैलिशियस। ठीक है, मतलब बिना यूजर को पता लगे उसकी जो है नॉलेज इंफॉर्मेशन जो है वो उनका डेटा उन तीसरी पार्टी को सेंड कर देते हैं। इट कम्स फ्रॉम, कहाँ से आते हैं ये, फ्रीवेयर एंड शेयरवेयर से आते हैं। एग्जाम्पल्स इसकी है कीलॉगर्स, वेब बीकॉन्स, रूट किट्स। ठीक है, अभी थोड़ा सा इनको देख लेते हैं, कीलॉगर्स, वेब बीकॉन्स और रूट किट्स क्या होते हैं। तो कीलॉगर्स क्या होते हैं, इनको की स्ट्रोक लॉगर, कीबोर्ड कैप्चर भी बोल देते हैं। ये क्या क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी की टाइप है यूज्ड, जो कि मॉनिटर करती है और रिकॉर्ड करती है हर की स्ट्रोक किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर का। इट इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर यूज ऑन, ये स्मार्टफोन्स पर भी यूज होता है, ठीक है, अवेलेबल है जैसे एप्पल आईफोन और एंड्रॉयड डिवाइसेस पर। वेब बीकॉन्स क्या होता है, ये टेक्निक यूज होती है वेब पेजेस पर, ईमेल्स पर, ताकि जो है उनका एक्सेस, उनका कंटेंट जो है उसको एक्सेस कर सके। इट इज टिपिकली थर्ड पार्टी के द्वारा मॉनिटर की जाती है एक्टिविटी ऑफ यूजर वेबसाइट पर, वो क्या कर रहा है डेली, ठीक है, उसका वेब एनालिटिक जो है, वेब टैगिंग जो है, वो सभी को ये ट्रैक कर लेती है, इवन जो ईमेल है उसको भी ट्रैक कर लेता है। रूट किट क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ मालवेयर डिजाइन टू गिव हैकर्स, ये टाइप होती है मालवेयर की, ठीक है, ये है, मतलब कि हैकर इसको एक्सेस कर लेते हैं एंड कंट्रोल, जो टारगेट डिवाइस है उसको ये पूरा कंट्रोल उस पर चला जाता है। ये रूट किट था। थैंक्स टू ऑल, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इससे रिलेटेड नई नई अपडेट्स मिलती रहे।